हेडिंग सर्कल। बच्चों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से जिस टॉपिक का नाम हमारे पास है सर्कल। आज इसी पे बात करने वाले हैं ये सर्कल क्या होता है और सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत अच्छी बात है ये हम लोग। तो सबसे पहले आइए सर्कल के डेफिनेशन पे। ये सर्कल होता है तो सर्कल के डेफिनेशन में बताया गया है चाहे तो लिखे द कलेक्शन ऑफ ऑल द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट द कलेक्शन ऑफ ऑल द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये देखो ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। अब इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सारे पॉइंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे सर्कल बोलेंगे। एक फिक्स पॉइंट जैसे मान लो इस फिक्स पॉइंट से आप इधर जाओगे सपोज के आप 2 सेंटीमीटर तो यहां से 2 सेंटीमीटर जाने के बाद आपको कोई पॉइंट मिला फिर आप यहीं से 2 सेंटीमीटर इधर फिर कोई पॉइंट मिला 2 सेंटीमीटर इधर फिर कोई पॉइंट मिला ऐसे आप हर बार कितना डिस्टेंस कर रहे हो 2 सेंटीमीटर अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हो। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर रहे हो तो आपको बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा और इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को ये जो सारे पॉइंट्स होंगे इक्वी डिस्टेंस यानी कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे ठीक है। इन सारे पॉइंट के कलेक्शन को क्या बोलना है सर्कल बोलना है ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों को ये मालूम है कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में अगर दो पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम कितना पॉइंट डाल सकते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वी कैन पुट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स तो हम फाइनल पुट कर बहुत सारे फाइनाइट पॉइंट्स बुक कर सकते तो ऐसे में ये लाइन क्या हो जाता है लगता है जैसे डार्क हो गया ठीक है। तो सर्कल इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसीलिए ये जो शेप है ना जब इसको हम लोग देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है ये शेप हमारा सर्कल और इसमें जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कल का सेंटर। जो आपने फिक्स पॉइंट लिया था जहां से आप हर बार डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर रहे थे तो उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलोगे आप सेंटर बोलोगे। आप एग्जांपल के तौर पे ये भी समझ सकते हो कि खूंटा है इस खूंटा से आप किसी बैल को बांध दो और बैल को पीटना शुरू करो तो जब आप पीटोगे तो वो आपसे भागेगा और भागते भागते वो कुछ इस तरह का शेप बनाएगा और यही जो शेप बना वो कहलाएगा सर्कल। अब इन सारे चीजों के बीच ये रस्सी ये वो रस्सी है जिस रस्सी से आपने एक बैल को खूंटा से बांधा है तो अब होगा क्या ये रस्सी तो बड़ा या छोटा नहीं होगा बैल कभी इस पॉइंट ए पे होगा तो कभी भाग के यहाँ इस पॉइंट बी पे आ जाएगा तो कभी भाग के यहाँ पॉइंट सी पे कभी यहाँ पॉइंट डी पे ऐसे वो आपसे भागता रहेगा क्योंकि आप उसको मार रहे हैं यानी कि बैल का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा मीन्स कभी बैल तो कभी पॉइंट यहाँ होगा कभी पॉइंट यहां आ जाएगा कभी पॉइंट यहां आ जाएगा। तो
सर्कल के डिफिनेशन को आप एक अलग वर्ड में ये भी कह सकते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल. द इक्वेशन ऑफ लोकस या द लोकस विच मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल. ठीक है बच्चों, तो सर्कल के दूसरे डिफिनेशन को भी लिख लीजिए. इट इज द लोकस अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस. अब यहां पे एक वर्ड आ गया है लोकस. ये लोकस किसको बोलते हैं? तो लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड लोकस. क्योंकि बैल कभी यहां, यानी बैल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. तो मैं उस बैल को क्या बोल सकता हूं? लोकस बोल सकता हूं. इसीलिए हमने इसके डिफिनेशन में वर्ड क्या यूज कर लिया? लोकस. किसी को यहां तक कोई परेशानी? अब देखो, अगर ये सर्कल बन गया तो आप इस सर्कल पे यहां एक रस्सी रखो यहां, और रस्सी को इसके इस लाइन के ऊपर बिछाओ, बिल्कुल गोंद से चपकाओ, ऐसे चपकाओ रस्सी को इसके ऊपर. क्या कर रहे हो आप? गोंद से चपका रहे हैं. चपका दिया, जब पूरा गिर गया था तो अब उस रस्सी को खोल के देख लो. अब वो रस्सी जितना लंबा हो जाएगा उस रस्सी के लंबाई को बोलेंगे सर्कमफेरेंस. क्या बोलेंगे? किसी को सर्कमफेरेंस समझने में दिक्कत? नो सर. अब अगर थोड़ा सा आगे चले तो हमें इस सर्कल के इस सेक्शन में बात करना है सिर्फ टेंजेंट के ऊपर. तो हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हुए अपने सीधे टू द पॉइंट आते हैं, अपने टेंजेंट के ऊपर आते हैं और इस पर बात करते हैं. टेंजेंट पर ध्यान देना, कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जिसको कलेक्ट करके रखोगे तो आगे काम. दो वर्ड जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, एक होता है टेंजेंट और दूसरा है सेकेंड. ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है सर्कल के लिए. तो ये टेंजेंट और सेकेंड क्या है? ये सब था रहा हूं देखना. ये कोई सर्कल है? ये हमारा कोई सर्कल हो गया. अब अगर कोई ऐसा पॉइंट जो सर्कल को बस टच करके निकल जाए, टच करके निकल जाए, जैसे फिल्मों में होता है ना, जब गुंडा चलाता है गोली, जब विलन गोली चलाता है तो हीरो छू के निकल जाता है. अब कहीं गलती से हीरो गोली चला देता है तो विलन को आर पार कर देता है. तो अगर कोई लाइन सर्कल को बस छू के निकल जाए, सिर्फ टच करे, तो टेंजेंट कहलाता है. और अगर कोई लाइन सर्कल को बिल्कुल इंटरसेक्ट कर दे, दो जगह काट दे, तब वो लाइन क्या कहलाएगा? सेकेंड. ठीक है, तो अगर हम टेंजेंट कहते तो हमने सर्कल में दिखा. बच्चों एक बात और आप यहां से नोट कर ली कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टेंजेंट सिर्फ सर्कल में ही डाला जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं. हम बिना सर्कल के भी टेंजेंट को डाल सकते हैं. कैसे डाल सकते हैं? कोई भी कर्व फिगर ले लो. ये कोई कर्व फिगर है? अब इस कर्व फिगर की इस पॉइंट की बात कर रहा हूं. अगर कोई लाइन इस पॉइंट को छू के चला गया
तो ये लाइन कहलाएगा टैंजेंट। अगर कोई ऐसा लाइन गया जिसको दो जगह काट दिया, जिसको दो जगह इंटरसेक्ट कर दिया, तब ये लाइन कहलाएगा सेकेंड। किसी को परेशानी इसमें? और कोई फिगर पे नहीं चला जाता बात के अलावा? क्या हुआ? कर फिगर के अलावा और किसी पे नहीं? नहीं, टेंजेंट डालने के लिए जरूरी है कि फिगर कर्व होना चाहिए। अब वो कर्व फिगर कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इस तरह का कर्व हो सकता है, या हमारा कर्व कुछ इस तरह का भी कर्व हो सकता है, जैसे वेव होता है, कोई सा भी कर्व हो, कोई सा भी कर्व। अगर कोई लाइन उस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा हो तब उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। और यदि अगर वही लाइन उस कर्व को दो जगह टच करने की कोशिश करे, दो जगह टच कर दे, तो दो जगह टच करने का मतलब कट कर दे, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिए, ये क्या कहलाएगा? सेकेंड। मैं जो समझाना चाह रहा हूं इस बात को आप समझेंगे। ये लाइन क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ये लाइन इस पूरे कर्व के लिए, ध्यान देखिए, इस पूरे कर्व के लिए सेकेंड है, क्योंकि पूरे कर्व को ये एक से ज्यादा जगह पे टच कर रहा है या कट कर रहा है। सर, पॉइंट ए पे तो टेंजेंट है। तो अगर ये मैं कहता कि पॉइंट ए के लिए क्या है, तो पॉइंट ए के लिए टेंजेंट, लेकिन पूरे इस ग्राफ के लिए, पूरे इस कर्व के लिए ये क्या होगा? सेकेंड होगा। समझ में आया? तो टेंजेंट को अगर हम लोग सिर्फ ऐसे ही टेंजेंट डिफाइन नहीं कर सकते, टेंजेंट डिफाइन करने के लिए ये वर्ड लाना बहुत जरूरी है, पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं बस उसी पॉइंट पे, उसके बाद वो टच कर रहा है, कट कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मैं अभी पॉइंट ए के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या हमारा लाइन पॉइंट ए को ही बस टच कर रहा है? टेंजेंट। और अगर पॉइंट ए के जगह पॉइंट ए के साथ साथ वो वहीं पे किसी और को भी टच कर रहा है, कहीं और भी कट कर दे रहा है कर्व को, तो वो सेकेंड है। क्या आपको सेकेंड और टेंजेंट के बीच का डिफरेंस पता चल गया? यस सर। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर, टेंजेंट जो होगा वो बीच में से भी जा सकता है? नहीं, बीच में से जाएगा, जो कि बीच में से जाएगा तो ये दो जगह कट कर देगा। टेंजेंट नो सर, जैसे कट कर रहा है। सर, एक ही लाइन पर सर बीच तक ही रह जाए, सर्कल में से बीच तक ही उसका लाइन एंड हो जाए, मतलब ऐसा? यस सर, यस सर। नहीं, तो ये टेंजेंट नहीं कहलाता, क्योंकि टेंजेंट के लिए हम आगे कंडीशन देखेंगे जिस कंडीशन को ये लाइन पूरा नहीं कर सकता। फिलहाल टेंजेंट के डेफिनेशन में एक वर्ड आया कि टेंजेंट बस एक वैसा लाइन होगा, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द कर्व एट वन पॉइंट, सिर्फ ये उसके डेफिनेशन में आया। पर उसके डेफिनेशन के साथ उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो अपने प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा तब मैं टेंजेंट कहूंगा, अगर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा देन टेंजेंट नहीं कर सकते। अब इस सर, तो प्रॉपर्टी है, आगे देखेंगे। सर, टेंजेंट सिर्फ टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं ना करेगा? टेंजेंट सिर्फ टच करेगा, और सेकेंड जो होगा वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा एट टू पॉइंट। सर्कल है एट टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाला बीच वाला फिगर बनाए हुए हैं सर।
मतलब इस तरह एक एक पॉइंट है बस, सर्कल पे सर वहां पे बनाए हुए हैं ना, इससे पहले भी बनाए हैं। नो सर, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला सर, सर्कल के बीच में नहीं, कर्स बोला है जो सर, सर तो ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टच नहीं है, ये टच नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर गया। यस सर, ठीक है। टच करने का मतलब सर्कल के अंदर नहीं जा रहा, वो सर्कल के बाहर से ही निकल जा रहा है, सॉरी सर, उसमें इन नहीं करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, वो बस उसके बाहर से उसको टच करके निकल जाएगा। सर्कल के अंदर जो सर गया है लाइन, बीच में रुक गया हुआ है, इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, तो उसको सेकंड नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे उसको? ये ना सेकंड है, ना टेंजेंट है, बस एक इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके सर, हाँ, अब आप बताइए कर सर, अगर दो लाइन पे, दो पॉइंट पर अगर टच करके जाएगा तो वो सेकंड कहलाएगा? दो पॉइंट पे टच कर ही नहीं सकता है, दो पॉइंट के लिए सर, जैसे नीचे वाले फिगर में अगर दो पॉइंट पे टच करके सीधा चल जाए ऊपर से, ऊपर से, तब ये टेंजेंट होगा, बिल्कुल टेंजेंट होगा, क्योंकि अब आपके पास एक कर्व वाला भी है, एक कर्व यहां तक है और दूसरा कर्व का ये है, तो अलग अलग कर्व हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए। यस सर, आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग टेंजेंट और सेकंड के बीच का अगर डिफरेंस समझ लिए हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब टेंजेंट और टेंजेंट का डिफिनेशन लिख लें, अ लाइन विच टच द सर्कल, मतलब सर्कल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्कल में पड़ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि टेंजेंट सिर्फ सर्कल में हो, वो किसी भी कर्व पे हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, अ लाइन दैट टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ये हमने एक सर्कल बना दिया, सर बुक में सर लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, लिखा हुआ है टच के जगह, इंटरसेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप बोले इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, तो फिर कैसे हो गया? नहीं, वन पॉइंट पे है, वन पॉइंट पे और बाहर से जा रहा है, सर्कल के बाहर से जा रहा है, सर इसमें लिखा हुआ है सर्कल, सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो इंटरसेक्ट का मतलब आप इस डिफिनेशन को पकड़ के चलोगे ना, दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, तो फिर आपको इस वाले में दिक्कत आ रहा है कि ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट है कि नहीं ना। तो अगर इस डिफिनेशन को आप लेके चलोगे ना, तो आपको इन दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये भी टेंजेंट हो जाएगा और ये भी टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी अभी एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, टेंजेंट ये लाइन नहीं है। ओके सर, ठीक है, यस सर। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग, हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के ऊपर हमने क्या किया, एक टेंजेंट डाला, मान लीजिए यहां पे टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर दिया है। तो अब ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
ठीक है, वह पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट सर्कल को टच करेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एक बात आप यहां से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा कि अगर मैं बात करूं सर्कल का तो सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट थे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस लाइन का तो ये लाइन पे भी कितने पॉइंट होंगे, इनफिनाइट। यानी सर्कल में भी इनफिनाइट पॉइंट है और इस टेंजेंट में भी इनफिनाइट पॉइंट है। तो सवाल ये पूछता है कि हाउ मैनी कॉमन पॉइंट बिटवीन अ टेंजेंट एंड सर्कल, एक सर्कल और एक टेंजेंट में कितना कॉमन पॉइंट होगा, क्या पूछना चाहता है वो, कॉमन पॉइंट। तो इनफिनाइट होगा, मैथ में कॉमन का मतलब जो दोनों में आए वही कॉमन जाता है, तो बस एक यही पॉइंट होगा, वही पॉइंट होगा जो टेंजेंट में और सर्कल में कॉमन होगा, ठीक है। और यही कॉमन पॉइंट जो है सर्कल और टेंजेंट का, ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नो सर। अब अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो ध्यान दें, सर्कल के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट है, ऐसे सर्कल के ऊपर बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ए को देखिए तो पॉइंट ए पे बस एक ही सर्कल गया है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब दूसरा सर्कल ले जाएगा तो मान लीजिए दो लाइन, ये दो लाइन एक दूसरे को कितने जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, बस एक ही जगह करेगा, एक जगह पर इंटरसेक्ट में किया, इनमें कॉमन पॉइंट हुआ। यस सर, तो हमने क्या देखा कि सर्कल का पॉइंट ए जो है इस जगह बस एक ही टेंजेंट आता, सर्कल के वन पॉइंट पे पॉइंट हमारा, अगर हमारा पॉइंट जो है ये ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल यानी सर्कल पे है, तो हम लोग कितना टेंजेंट डाल सकते हैं इससे, बस एक टेंजेंट डाल सकते, यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर्कल के एक पॉइंट पे बस एक टेंजेंट डाला जा सकता है, ठीक है। वी कैन ड्रो ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, दिक्कत, नो सर। लेकिन सर्कल में तो इस तरह के इनफिनाइट पॉइंट, तो कोई टेंजेंट पॉइंट सी पे भी डाला जा सकता है, कोई टेंजेंट पॉइंट ई पे भी डाला जा सकता है, कोई टेंजेंट पॉइंट एफ पे भी डाला जा सकता है, तो ऐसे में पूरे सर्कल पे कितना टेंजेंट डाल सकते हो, इनफिनाइट। इनफिनाइट अगर पूरे सर्कल का क्वेश्चन पूछना चाहे तो इनफिनाइट टेंजेंट डाल, ठीक है, एक पॉइंट पे बस एक टेंजेंट डालेंगे, लेकिन पूरे सर्कल का पूछा जाए तो इनफिनाइट टेंजेंट डाल सकते हैं। और यही पॉइंट अगर हमारा आउटसाइड द सर्कल हो, कौन सा हो, आउटसाइड द सर्कल, यानी पॉइंट सर्कल के बाहर हो जाए, पॉइंट सर्कल के बाहर को जाने का मतलब है ये हमारा सर्कल है और यहां पे कोई पॉइंट है P, पॉइंट सर्कल के बाहर है। अब इस पॉइंट P से हम इस सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हैं, एक ये डाल सकते हैं, एक ये डाल सकते हैं, यानी अगर हमारा पॉइंट पी सर्कल से बाहर है तो हम इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, टू टू टेंजेंट डाल सकते हैं, अच्छा ना।
अगर सर्कल की एक पॉइंट का पूछा जाए तो वन टेंजेंट, अगर पूरे सर्कल का पूछा जाए इनफिनाइट टेंजेंट, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है टू टेंजेंट, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है अब कितना टेंजेंट। तो सर्कल के अंदर से कोई भी लाइन खींचोगे वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर जाएगा। यानी अगर पॉइंट हमारा इनसाइड द सर्कल होगा तो टेंजेंट नहीं बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि सर्कल के इंटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट डाल सकते। यहां तक में किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है? इनसाइड द टेंजेंट क्या बता रहे थे आप? क्या फिर इनसाइड का एक और बताइएगा, आवाज नहीं आया था आपका। इनफिनाइट का ये जो सर्कल है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल पर कितना टेंजेंट खींच सकते हो, तो एक सर्कल पे हम इनफिनाइट टेंजेंट। ठीक है, एक सर्कल पे हम लोग इनफिनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर पूरे सर्कल का पूछा जाए तो इनफिनाइट टेंजेंट, सर्कल के एक पॉइंट का पूछा जाए तो वन टेंजेंट, सर्कल के अगर पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं। यहां तक किसी को परेशानी? नो सर, नो सर। तो ये था टेंजेंट सर्कल के बारे में बेसिक बात। अब सर्कल के बारे में हमें चैप्टर में सर्कल में दो थ्योरम्स पढ़ना है, सर्कल नंबर 10। इस चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों को दो थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम नंबर 10.2। तो हम लोग पहले थ्योरम्स की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, तो मैं इस थ्योरम को बताता हूं, इसको प्रूव करके देखते हैं। थ्योरम नंबर 10.1 स्टेटमेंट समझिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको मीनिंग को समझना, मीनिंग समझ लोगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। 10.1 कहता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट through the point of contact. ठीक है, थ्योरम क्या कहता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझिएगा इस थ्योरम को, समझाते हैं फिर इसको प्रूव करके देखेंगे आप। ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल पे हमने एक टेंजेंट बना दिया, और ये टेंजेंट का ये जो पॉइंट है, सपोज कर लीजिए पॉइंट P, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों ये सर्कल है तो इसका कहीं ना कहीं वो सेंटर होगा। अब सेंटर कहते हैं, ये सर्कल है तो इस सर्कल में कितने रेडियस होंगे बच्चों? इनफिनाइट। लेकिन उन इनफिनाइट रेडियस में से वह रेडियस परपेंडिकुलर होगा जो कहां से डाला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी को हम सेंटर से मिला दें। तो सेंटर से सर्कल को मिलाना मतलब क्या कर देना, रेडियस। तो ये जो रेडियस होगा ना, ये सर्कल टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही हमारा थ्योरम है, मतलब इसको अगर हम साफ सीधे भाषा में कहें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से मिला दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कर दो सेंटर से, सेंटर था ये मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था,
अब तुमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दिया, तो ई बीच के एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों मिलेगा तो जरूर, लेकिन 90 डिग्री के एंगल। समझ में आ गया बात? यस सर। अब आप बताएं इसको प्रूफ करेगा कि हम इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करें। तो परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? अगर मैं आपसे छोटा बात करता हूँ, इसी फिगर में देखो, मैं ये कह रहा हूँ OP परपेंडिकुलर का नाम मान लेते हैं R, OP परपेंडिकुलर PR। तो परपेंडिकुलर से आप क्या समझते हो? दो लाइन्स परपेंडिकुलर, इससे आप क्या समझते हो? सिवा 90 डिग्री बन गया। बिल्कुल सही बात है। इनके बीच का एंगल जिससे इन दोनों लाइन जब मीट कर रहा होगा ना, जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात कहते हो। और कुछ समझते हो क्या इसे? परपेंडिकुलर का और भी कोई मीनिंग होता है क्या? नहीं पता सर। होता है, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब पॉइंट यहाँ पे वही आता, यहाँ पॉइंट आपका ओ था, ये आपका पी था, ये आपका आर। तो आप इस पॉइंट ओ से इस लाइन के ऊपर कितना लाइन खींच सकते हो? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे कितना लाइन खींच सकते हो? लेकिन उन इनफिनाइट लाइन में परपेंडिकुलर वही होगा जो शॉर्टेस्ट होगा। परपेंडिकुलर इट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। दिक्कत किसी को? नो सर। तो परपेंडिकुलर का मतलब दो चीज हो गया। अगर परपेंडिकुलर है तो बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ये सही बात है, ऐसा होता है। और दूसरी बात क्या होगा कि अगर परपेंडिकुलर है मतलब उस पॉइंट से उस लाइन का वो सबसे छोटा डिस्टेंस है। फिजिक्स के भाषा में कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों? Yes। अब हम लोग इसको जब प्रूव करेंगे ना तो किसी का ये सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट वाले चीज का यूज करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखो, ये तो हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? इनफिनाइट। और सारे रेडियस में रिलेशन क्या होता है? इक्वल सेम डिस्टेंस। तो ये हमारा एक सर्कल है, हमने अपने सर्कल पे एक टेंजेंट बना लिया ए बी, ई को बोल दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सर्कल के सेंटर को बोल दिया ओ। अब हम लोगों को यहां से कहानी शुरू होगा, लिखेंगे Let COR be a circle। मान लिया हमने कि COR क्या है हमारा? सर्कल। अगर COR सर्कल है, COR का मतलब समझ गए, वैसा सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस R। AB be a tangent and P is point of contact। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूव कर देना है कि OP perpendicular to That is, OP is
The shortest distance. यही हमें प्रूव कर देना है। अब देखो बच्चों इस प्रूव के लिए क्या करते हैं कि हम इस ए बी के ऊपर दो तीन पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं मान लो यहां पे क्यू। हमने क्या किया ए बी के ऊपर एक पॉइंट टेक किया क्यू। क्वेश्चन में ओपी क्या रहा तो ओ से पी को डिवाइड करना होगा। ठीक है ठीक है जी। यस यस सर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया ऐसे आप एक नहीं ऐसे आप दो तीन पॉइंट ले सकते हो क्यू ले सकते हो यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट आर ले लेना इधर कोई पॉइंट एस ले लेना ऐसे कुछ वर्ड्स ले लेना। ठीक है कंस्ट्रक्शन किया एक सम पॉइंट take some points q r s etc or a b and join them to center o। हमने ऐसा कुछ पॉइंट दिया और इन पॉइंट्स को क्या कर दिया सेंटर से ज्वाइन कर दिया। सब कुछ कर दिया मैं एक को कर रहा हूं आप सबको कर देगा। ऐसे में अगर मैं सिर्फ बात करता हूं OQ का तो OQ सर्कल को कट कर रहा है। OQ कट्स द सर्कल। ठीक है किसी को दिक्कत OQ सर्कल को कट कर रहा है जी। नो सर नहीं तो मान लो OQ सर्कल को कट कर रहा है पॉइंट M पे पॉइंट है कुछ मान सकते। अब ऐसे भी आपने देखा आपका यहां से प्रूफ शुरू है ओ क्यू कट और इंटरसेक्ट द सर्कल एट एम। अब देखो बच्चा सेंटर ओ और पॉइंट पी है सर्कल पे तो ओ पी क्या बनेगा रेडियस रेडियस ओ सेंटर और पॉइंट एम सर्कल पे है OM क्या बनेगा रेडियस। और हम लोग जानते हैं कि सर्कल में जितना भी चाहो रेडियस खींच लो सब रेडियस क्या होगा इक्वल होगा इक्वल डालते हैं। अब ये फिगर देख फिगर देखें फिगर में OM बस इतना डिस्टेंस और OQ फिगर देख के OM और OQ में कुछ रिलेशन बता सकते हो आप इधर OM रेडियस है OM रेडियस है लेकिन मैं रेडियस नहीं पूछ रहा मैं इन दोनों में कुछ रिलेशन पूछ रहा हूँ। रिलेशन का मतलब बड़ा है छोटा है बराबर है कुछ किस तरह की बात पूछ रहा हूँ। OQ को दो पार्ट में क्या हुआ OM प्लस MR OM OM प्लस OM प्लस MR MR कैसे MQ सर OM प्लस आप लिख सकते हो OM प्लस MQ ना अच्छा छोड़ ठीक है ऐसा लिख सकते हो। अच्छा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि OM से OQ बना OQ माइनस ऐसा नहीं बोल सकते हैं जी कि OM से OQ बड़ा है। यस सर बोल सकते हैं बाय द फिगर या बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी कैन से दैट OM से बड़ा होगा OQ। अब देखो OM किसके इक्वल था OP के तो अगर OM से बड़ा है तो इनडायरेक्टली ये OP से भी बड़ा होगा। यस सर यस यानी OP इज शॉर्टर
ओपी छोटा हो गया परेशानी yes. परेशानी नो सर अच्छा अगर ओपी छोटा हो गया तो इसी तरह से हम लोग अगर इसी तरह से बच्चों मैं सेंटर से ज्वाइन करता इस पॉइंट एस को सिमिलरली सिमिलरली क्या हो जाता ओपी को होता ये ओए से भी छोटा होता यस अगर आर को हम ज्वाइन करते सेंटर से तो ओपी जो होता ये ओ आर से भी छोटा होता तो ऐसे में अगर तुम इस लाइन ए बी पर इस पी के अलावा तुम कहीं भी पॉइंट ले लोगे तो तुम क्या देखोगे कि ओपी जो है सबसे छोटा है उन्हें ऐसे सब बड़ा क्या करते हो ओपी इज द शॉर्टेस्ट shortest distance between center and tangent कह सकते हो center के बगल में O भी लिख दो और tangent के बगल में AB भी लिख दो कह सकते हो कि OP जो होगा वो center और tangent के बीच का सबसे छोटा distance होगा Yes, sir. तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को तो बोलते हैं परपेंडिकुलर हेंस ओपी परपेंडिकुलर ए बी हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ प्रूफ तो मुझे याद रखना है कि कोई भी सर्कल हो अगर इसमें टेंजेंट है तो टेंजेंट है तो अगर सर्कल है तो निश्चित सेंटर होगा सर्कल है तो सेंटर होगा ना और अगर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा अगर सर्कल है तो सेंटर होगा टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा अब अगर इन दोनों को मिला दो तो बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा 90 का क्योंकि वो भी सबसे छोटा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर इस थ्योरम में किसी को दिक्कत नो सर हमारी बुक एनसीईआरटी बुक में इस थ्योरम का कन्वर्स नहीं दिया गया है लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो इस थ्योरम का कन्वर्स है तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कन्वर्स किसी को दिक्कत नो सर